सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एड्रोकेबल और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में सो so, आज के वीडियो में मैं कराने वाली हूँ पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम जो कि हेल्पफुल होने वाला है आपकी पॉलिटिकल साइंस एमए एंट्रेंस में पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट में और यूपीएससी ऑप्शनल जिसमें भी पॉलिटिकल साइंस आपका आता है पी वगैरह में ठीक है तो उन सभी में ये आपको बहुत हेल्प करेगा ठीक है स्पेशली एम एंट्रेंस के लिए और यू जी नेट के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये क्योंकि मैंने एक पोल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि अभी की आपको वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन आ रहे हैं नेट का भी और एम एंट्रेंस का भी तो ज़्यादातर वोट मुझे एम एंट्रेंस के लिए आए थे लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एम एंट्रेंस और यू नेट दोनों में ही काम आने वाले हैं ठीक है तो ये आज का जो टॉपिक है ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है आप चाहो तो अपना जो एम ए का एंट्रेंस है सुट का उसको निकाल के भी देख सकते हो या फिर जो भी आपका यू जी सी नेट का सिलेबस है उसमें भी देख सकते हो उसमें आपका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर यह आपका टॉपिक आता है पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम ठीक है तो इसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप की पार्टीज होती हैं कौन कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने थिंकिंग के बेसिस पे पार्टीज़ को डिवाइड करके उनको अलग अलग सिस्टम के नाम दिए हैं ठीक है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यू जी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की तो हमने अपनी एंट्रेंस गाइड्स भी रिलीज़ करी हैं कुछ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है वहाँ से आप उनको जो है क्लिक करके गेट कर सकते हो बिकॉज उसमें बहुत ही एक्सटेंसिवली लिखा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी लिखी हुई हैं सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड है हैं डायग्राम्स का यूज़ किया गया है पिक्चर्स का यूज़ किया गया है पॉइंट बुलेट पॉइंट्स का यूज किया गया है ताकि केवल और केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तक ही आप तक पहुंचा जा सके ना कि कोई बल्कि नोट्स आपको दिए जाए जिससे कि आप उलझ कर उसमें रह जाएं ठीक है सो so, उसके बारे में हम बाद में लास्ट में थोड़ी और बात करेंगे अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ ठीक है सो so, लेट स्टार्ट तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्टीज और पार्टी सिस्टम होता क्या है ठीक है सो बेसिकली पार्टीज़ जो डिफरेंट टाइप की पार्टीज़ होती हैं इलेक्टोरल सिस्टम में वो सब आपस में मिला के उसको हम पार्टी सिस्टम बोल देते हैं ठीक है डिफरेंट पार्टीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे सराउंडिंग्स में उसको हम पार्टी सिस्टम बोल देते हैं उसके स्टडी को ठीक है सो बेसिकली पार्टीज़ काम क्या करती है पार्टीज़ एक तरीके का लिंक होती हैं जो कि कॉमन पीपल और गवर्नमेंट के बीच का लिंक बनती है बिकॉज गवर्मेंट कॉमन पीपल इतने सारे हैं कि वो डायरेक्टली अपनी बात को गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते सो so, पार्टीज एक ऐसा जरिया होती हैं, एक ऐसा लिंक होता है जिनके जरिए कॉमन पार्टीज की जो बात होती है गवर्नमेंट तक पहुंचती हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बातें भी कॉमन पीपल तक पहुंच पाती हैं ठीक है तो इसी के रिलेटेड हम कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे डेफिनेशन uh, देखेंगे पोलिटिकल पार्टी इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन बाय पर्सन मोर और लेस शेयरिंग कॉमन एम्स

तो वो आपस में मिलकर एक पार्टी बना लेते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल ए पर्सन का इंटरेस्ट uh, है कि वो लोगों का वेलफेयर करे ठीक है सोशलिज्म के थ्रू लेकिन बी पर्सन का भी यही मानना है कि वो भी सोशलिज्म के थ्रू लोगों के वेलफेयर में विश्वास रखता है तो कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में मिलकर अपनी एक न्यू पार्टी बना सकते हैं क्योंकि उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है और दोनों वॉलंटरीली एक साथ आना चाहते हैं ठीक है तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं जिनमें जो लोग ज्वाइंट होते हैं उनके कुछ कॉमन एम्स होते हैं कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं ठीक है जो कि कंट्रोल करती है गवर्नमेंट के पैरेटस को विद द व्यू ऑफ फर्दरिंग देयर इंटरेस्ट यानी कि अपने इंटरेस्ट को अपनी बातों को अपने गोल्स को पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करने के बाद और ज्यादा एनलार्ज कर सके और बड़ा कर सके ठीक है और कहीं ना कहीं उनको फुलफिल करने पे काम करें पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफन विथ कॉमन आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल एम्स एंड ओपिनियंस जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि एक पॉलिटिकल पार्टी में एक ही तरीके के लोग मिलेंगे यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आपको लेफ्टिस्ट लोग भी मिल रहे हैं राइटिस्ट लोग भी मिल रहे हैं और कॉमनिस्ट लोग भी मिल रहे हैं ठीक है तो यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी में आपको सेम आइडियोलॉजी के लोग मिलेंगे सेम एम के लोग मिलेंगे और सेम ही ओपिनियन के लोग मिलेंगे ठीक है विच एम टू एक्वायर एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी जो कि पॉलिटिकल पावर में रहते हुए आ, कोशिश करते हैं कि जितने भी पब्लिक पॉलिसी बन रही है गवर्नमेंट के थ्रू उनको इन्फ्लुएंस कर सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है तो हम इस पूरे स्टडी को यानी कि द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम एक नाम दे देते हैं वो है स्टेटिस्टियोलॉजी ठीक है तो स्टेटिस्टियोलॉजी क्या होता है जब हम पॉलिटिकल पार्टीज का स्टडी करते हैं तो उसको जस्ट हमने एक कॉमन नेम दे दिया है ये ठीक है तो ये आपको याद रखना है बिकॉज पहले भी आ चुका है पेपर में और आने की संभावना है तो इस शब्द को आपको याद रखना है ठीक है अब हम कुछ वेल नाउन डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं जो कि डिफरेंट थिंकर्स ने दिए हैं बिकॉज ये कई बार जो एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं कि कौन से थिंकर ने दी हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस को भी पुट अप कर दिया है ठीक है फर्स्ट है अ पार्टी इज अ ग्रुप हुज़ मेंबर्स पर्पज टू एक्ट इन कंसर्ट इन द दम्पटिटिव स्ट्रगल फॉर द पावर यानी कि एक आ, पार्टी के जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक तरीके से कॉन्सर्ट में काम करते हैं ताकि वो बाकी जो कंपेटिटिव पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट में पावर को गेन करने में आ, जो है हेल्पफुल हो सके ठीक है यानी कि कुछ कॉमन पीपल जो होते हैं आपस में मिलकर पार्टी बनाते हैं ताकि जो अपोजिंग पार्टी है उनके जगह उनको पावर मिल जाए तो ये किसने दी है जोसेफ़ शम्पेटर ने ठीक है सेकेंड है ग्रुप्स ऑर्गेनाइज फॉर द दर्पज ऑफ अचीविंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर विद इन अ पोलिटिकल सिस्टम ये किसने दिया डुवर्जर ने दिया ठीक है डुवर्जर पोलिटिकल सिस्टम में और पोलिटिकल पार्टी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थिंकर है यानी कि इसका मतलब ये मान लो कि अगर आपको पार्टी सिस्टम में कोई भी थिंकर नहीं पता है इन केस तो आपको डिवर्जर तो पता ही होना चाहिए ये इतने इंपॉर्टेंट है ठीक तो है तो इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट हो गई अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ठीक है एनी पॉलिटिकल ग्रुप आइडेंटिफाइड बाई एन ऑफिशियल लेवल दट रिप्रजेंट्स एट इलेक्शन एंड इसपेबल ऑफ प्लेसिंग थ्रू इलेक्शन कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पब्लिक ऑफिस ये किसने दिया है सार्टोरी ने दिया है सार्टोरी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर है आपके पार्टी सिस्टम में ठीक है तो ये कुछ वेल नाउन डेफिनेशन हैं जो कि आपको पता होने चाहिए एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन एटलीस्ट इस नज़र से आप इनको देख कर जाना कि कहीं ना कहीं आपको ये, तो ये लाइन्स दिखें तो आपको थिंकर का नाम सोच सकें ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की पॉलिटिकल पार्टीज बनती क्यों हैं इसके थोड़ा बहुत तो मैंने आपको फंक्शनिंग बता दी है लेकिन हम थॉरली इसके कुछ मेन uh, फंक्शन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फंक्शन इसका ये है एग्रीगेट एंड आर्टिकुलेट द सोशल इंटरेस्ट पब्लिक ओपिनियन एंड द पॉलिसी डिमांड्स तो यानी कि गवर्नमेंट तक क्या पहुंचाने के काम करते हैं गवर्नमेंट तक सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है पब्लिक का क्या ओपिनियन है और किस तरीके की पॉलिसी का वो डिमांड कर रहे हैं लोग वो Uh, काम पहुंचाने का कौन करता है पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ठीक है दे फॉर्म गवर्नमेंट एंड हेल्प इंप्लीमेंट पॉलिसीज़ फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो यानी कि वो कहीं ना कहीं फिर गवर्नमेंट तक की इन डिमांड्स को पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए उन पॉलिसीज में पब्लिक की ओपिनियन का ध्यान रखें ताकि जो लोगों का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सोसाइटी की वो हो सके और साथ ही साथ वेलफेयर लोगों का हो सके नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज आर एजेंशियल चैनल चैनल फॉर रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या किसी भी अदर कंट्री में जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वहां पे रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा टूल होती है ये ठीक है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू लोग अपने ओपिनियन रख पाते हैं अपने इंटरेस्ट रख पाते हैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक डेमोक्रेसी लाने के लिए आपको जो है पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जो है रिप्रेजेंटेशन शो कर सके लोगों का ठीक है दे वाइल प्रेजेंटिंग इश्यू ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम सेट वैल्यू गोल्स फॉर द सोसाइटी तो यानी कि कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट में वैल्यू uh, गोल्स को सेट करते हैं किस तरीके की पॉलिसीज होनी चाहिए किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए जो हमें सोसाइटी में लाने चाहिए थ्रू द गवर्नमेंट दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल जो कि मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक तरीके का लिंक uh, प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल दे यूनाइट सिंप्लीफाई एंड स्टेबलाइज द पोलिटिकल प्रोसेस तो पूरी गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करेगी उस चीज़ को ये एक तरीके से यूनाइट करते हैं यानी कि बहुत सारे लोग आकर एक छत के नीचे बोलते हैं ना एक छत के नीचे आके रहने लग जाते हैं यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो पूरे प्रोसेस को सिंपल करने में हमें सहायता करता है उसको समझने में भी और उसको वर्क करने में भी ठीक है तो इस तरीके से स्टेबलाइज़ करके रखते हैं हमारे पूरे के पूरे पोलिटिकल प्रोसेस को ठीक है आप पे एक बार इमेजिन करके देखो कि फ़ॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट चलेगी कैसे ठीक है आपको कैसे पता चलेगा कि कौन पर्सन आपके लिए कैसा काम करेगा आ, या फिर उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं उसकी क्या आइडियोलॉजी है वो किस तरीके का इंटरेस्ट आता है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने प्रोपागेंडा दिखाती हैं तो उसके थ्रू हमें ये Uh, जो है आइडिया लग पाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी से जो जो लोग जुड़े हुए हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग इस पार्टी की आइडियोलॉजी और इस पार्टी के इंटरेस्ट से जो है मेल खाते हैं और उनको फॉलो करते हैं ठीक है ठीके? तो इसलिए पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को हमारे पोलिटिक पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरीके से स्टेबिलाइज़ करने के लिए जो हमारी पार्टीज होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं ठीक है ठीके? अब हम इसके कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम तो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने अपने अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट पार्टीज को डिवाइड करा है और उनको कुछ नाम दिया है तो उन सिस्टम्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट है मॉरिस डिवर्जर जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज ये भी आपको याद रखना है बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यू जी सी नेट में भी और एम ए एंट्रेंस में भी हे क्लासिफाइड पोलिटिकल पार्टीज एज वन

तो यानी कि सिंगल पार्टीज में क्या होता है कि या तो पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा अपने आप को कर ले कि कहीं ना कहीं वो सारे अपोजिशन की आइडियोलॉजीज को अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको कांग्रेस नाइनटीन तक मिलता है इंडिया में क्योंकि 67 तक इंडिया में कोई इतना बड़ा ऑपोजिशन नहीं था और सिर्फ कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी 47 से लेके 67 तक बिकॉज जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी वो कहीं ना कहीं अपने ही अंदर उनको जगह दे देती थी, थी। ठीक है तो कहीं ना कहीं मॉरिस वर्जर यही कह रहे हैं कि सिंगल पार्टी या तो तभी सस्टेन करती है जब वो अपने अंदर अपोजिशन को भी मिला ले या फिर एक दूसरा केस हो सकता है जब वो अपोजिशन पार्टी को सप्रेस कर दे ठीक है यानी कि उनको उठने ही ना दे तो वो एक दूसरा केस सिनेरियो हो सकता है जिसको वो काउंटर रेवोल्यूशनरी बोल रहे हैं ठीक है तो सिंगल पार्टी टप सस्टेन करती है उसके बाद आता है दिस कैटेगरी हैज़ द टू सब कैटेगरीज टोटेलीटेरियन एंड द डेमोक्रेटिक ठीक है इसका मतलब कि जो इन्होंने दो पॉसिबल केसेज यहाँ पे बताए हैं उसी को यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया है एक को टोटलिटेरियन और एक डेमोक्रेटिक जैसे कि मैंने आपको कांग्रेस का एग्जाम्पल दिया कांग्रेस 1947 से लेकर 67 तक हमारे इंडिया में जो है डोमिनेंट पार्टी बन के रही थी क्योंकि वो सारे अपोजिशन अपोजिशन जो भी आइडियोलॉजीज होती थी जो भी आ, जो भी पार्टीज होती थी उनको अपने ही अंदर जो है जगह दे देती थी इसीलिए कांग्रेस को का हम अम्ब्रेला पार्टी भी बोलते थे नाइनटीन तक ठीक है तो ये किस तरीके का फॉर्म हुआ डेमोक्रेटिक हुआ यानी कि हमने जो है उनको अंदर जगह देकर एक डेमोक्रेटिक वे फॉलो किया है अपोजिशन के साथ ठीक है तो इसको वो डेमोक्रेटिक सिंगल पार्टी बोल रहे हैं और वहीं अगर एक पार्टी सिस्टम दूसरे अपोजिशन की पार्टीज को उभरने ही ना दे उनको सप्रेस कर दे तो वो क्या कहलाएगा प्रोटेलिटेरियन तो तो कह कहला ठीक है तो इसका एग्जाम्पल वो दे रहे हैं इटली और जर्मनी यानी कि ये जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सिंगल पार्टी का ये उनको कहाँ देखने को मिला है इटली में और जर्मनी में ठीक है उसके बाद आता है बाय पार्टी जिसको हम टू पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं वैन देयर आर ओनली टू सफिशियटली स्ट्रांग पार्टीज तो उस पार्टी सिस्टम को हम टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ टू सफिशियट पार्टी, पार्टी होती है ठीक है इफ अ कंट्री हैज सिंपल मेजोरिटेरियन सिस्टम इलेक्टोरल सिस्टम इट विल हैव द टू पार्टी सिस्टम एंड लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम यानी कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी कंट्री में सिंपल मेजोरिटेरियन सिस्टम है सिंपल मेजोरिटेर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपने इलेक्शन हेल्ड करवाए और जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो पार्टी सत्ता में आ गई ठीक है तो ऐसी कंट्री में हमें दो पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है यानी कि एक तो वो पार्टी जिसको कम वोट मिले हैं और एक वो पार्टी जो कि मेजोरिटी के साथ रूलिंग करने लग जाएगी तो ये हो गया हमारा टू पार्टी सिस्टम तो ऐसे सिस्टम इनको कहाँ देखने को मिला है एक तो यूनाइटेड स्टेट्स में कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में और यूनाइटेड किंगडम में ठीक है तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जो कंट्रीज के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना वो भी आपको याद रखने हैं बिकॉज जो है पेपर में इस तरीके से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किस कंट्री में किस तरीके का सिस्टम फॉलो होता है कई बार मैच तो फॉलोइंग में भी आ जाता है ठीक है तो इसलिए आपको कहीं कही ना कहीं थोड़ी बहुत कंट्रीज भी याद रखने की कोशिश करनी है कि किन कंट्रीज में ऐसा वाला सिस्टम मिलता है ठीक है नेक्स्ट है इनका मल्टी पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम में डिवर्जर uh, बोलते हैं कि नो पार्टी वेट हाँ सो मल्टी पार्टी में डिवर्सर क्या बोल रहे हैं कि नो पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर द क्लियर मेजोरिटी सो यानी कि वो बोल रहे हैं कि ऐसी कंट्री में हमें मल्टी पार हमें मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है जहाँ पे एक सिंगल पार्टी जो है क्लियर मेजोरिटी को गेन नहीं कर पाती है ठीक है इफ अ कंट्री हैज़ अ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इट विल हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम तो जैसे कि डुवर्जर बताते हैं कि अगर अगर कंट्री में सिंपल मेजोरिटेरियन सिस्टम फॉलो हो रहा है तो आ, तो वहाँ पे टू पार्टी देखने को मिलेगी लेकिन अगर वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे मल्टी पार्टी देखने को मिलेगी फॉर एग्जांपल जो आपकी आ, वो होती हैं पार्टीज होती हैं उनको जो सीट्स मिलेंगी वो इन प्रपोर्शन टू वोट्स मिलेंगी ठीक है यानी कि ए पार्टी और बी पार्टी को उतनी उतनी सीट्स मिलेंगी जितने जितने उनको वोट्स मिले होंगे ठीक है तो यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक को मेजोरिटी मिल पा रही है तो ये सिस्टम तभी फॉलो होता है जहां पे एक सिंगल मेजोरिटी फॉर्म नहीं हो पाती है ठीक है दिस कैटेगरी इज फर्दर डिवाइडेड इंटू स्टेबल एंड द अनस्टेबल पार्टीज स्टेबल स्टेबल एंड अनस्टेबल पार्टीज वो क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर ऐसा केस आता है कि जब छोटी पार्टीज जो होती हैं वो आपस में मिल क्या कर लेती हैं कोलिजन कर लेती हैं फॉर एग्जाम्पल ए और बी को कम वोट्स मिले हैं लेकिन वो मेजोरिटी में आना चाहते हैं तो आपस में कोलिजन कर लेते हैं ठीक है तो यानी कि कभी भी पार्टी गिर सकती है अगर एक ने भी अपना सपोर्ट को हटा दिया तो तो इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाला जो सिस्टम होता है या तो वो कही कहीं ना कहीं स्टेबल हो सकता है या फिर अनस्टेबल भी हो सकता है इसका एग्जांपल वो देते हैं स्विट्जरलैंड हॉलैंड एंड द डेनमार्क फिर डिवर्जर बोलते हैं डिवर्जर हैज़ आल्सो गिवन अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ तो ये था टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन्होंने जो अभी बताई थी वन पार्टी सिस्टम बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम लेकिन उनके स्ट्रक्चरल बेसिस यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है वो कैसी है पार्टी उसके बेसिस पे उन्होंने पार्टीज़ को डिवाइड किया है फर्दर ठीक है जिसको बोलते हैं ब्रांच टाइप सेल टाइप कॉकस टाइप एंड द मिलिशिया टाइप ब्रांच टाइप जो पार्टीज होती हैं वो मास पार्टीज होती हैं ठीक है थीके? जिनमें कि आपकी ओपन मेंबरशिप होती है ठीक है तो मास में मास पार्टीज का मतलब होता है ये बड़ी पार्टीज होती हैं और इनमें जो है एक हेरालिकल स्ट्रक्चर फॉलो होता है ठीक है, 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 है उसके बाद नेक्स्ट है आपकी सेल टाइप सेल टाइप यानी कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ये थोड़ी छोटी पार्टीज होती हैं और ये क्लोज पार्टीज होती हैं यानी कि इनकी मेंबरशिप ब्रांच टाइप पार्टीज की तरह ओपन नहीं होती हैं उसके बाद आता है आपका कॉकस टाइप सो कॉकस टाइप आपकी बहुत ही छोटे कमिटी टाइप होती हैं यानी कि बहुत बड़ी नहीं होती हैं इसको कमिटी टाइप भी बोलते हैं सो कमेटी टाइप की पार्टीज होती हैं जिसमें सिर्फ थोड़े से जो है अमाउंट के कुछ स्पेसिफिक लीडर्स और एलिट्स होते हैं ओके okay. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मिलीशिया टाइप तो ये होती हैं फासिस्ट टाइप जैसे कि आपको जो है जर्मनी में देखने को मिली होगी जब हिटलर की सरकार थी तो यानी कि मिलिट्री बेस्ड होती है जो कि मिलिट्री का यूज़ करती है रूल करने के लिए ठीक है यहाँ पे जो है ग्रुप कंट्रीज के एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं कि ब्रांच टाइप कहाँ पे देखने को मिलती है वेस्ट यूरोप में देखने को मिलती है डुवर्जर को सेल टाइप उनको कम्युनिस्ट देशों में देखने को मिलती है कॉकस उनको अमेरिका में देखने को मिलती है और मलेशिया उनको फासिस्ट नाजी में देखने को मिलती है ठीक है अब आते हैं हम सार्टोरी भी तो जो पार्टी सिस्टम वो अपनी बुक में देते हैं उनकी बुक का नाम है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस 1976 सेवनटी सिक्स ठीक है तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके भी इस नेम को लिख सकते हो बिकॉज इंपॉर्टेंट नेम है और एग्जामिनेशन में आ सकता है सो so, सार्टोरी क्या बोलते हैं पार्टी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज इन अ पॉलिटिकल सिस्टम तो बोलते हैं कि पार्टी सिस्टम एक आ, ऐसे सिस्टम है जहां पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं और एक पॉलिटिकल सिस्टम को बनाती हैं ठीक है ही क्लासिफाइड पार्टी सिस्टम इनटू टू टाइप्स फर्स्ट है कम्पटिटिव पार्टी सिस्टम इट इंक्लूड्स द रियल पार्टिसिपेशन एंड इंटरक्शन ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल पार्टीज तो यानी कि जहाँ पे कई सारी पार्टीज आपस में कम्पीट करती हैं जहाँ पे कि हम रियल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और इंटरक्शन ऑफ पावर देखने को मिलता है दिस टाइप इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू फॉलोइंग क्लासेज पोलराइज पुरोज्म विच इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाई एंड मल्टी पार्टी सिस्टम सिंपल टू पार्टी सिस्टम मॉडरेट पुलिज्म एंड एक्सट्रीम पुलरिज्म ठीक है तो यानी कि वो बोल रहे हैं कि uh, यानी कि सार्टोरी बोल रहे हैं कि पोलराइज टूरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे बाई पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ठीक है तो इसके भी कुछ टाइप हो सकते हैं आपका सिंपल सिंपली टू पार्टी सिस्टम भी हो सकता है या फिर मॉडरेट टूरिज्म भी हो सकता है या फिर एक्सट्रीम टूरिज्म भी हो सकता है उसके बाद वो बोलते हैं कुछ और टाइप्स के बारे में जिसमें क्या आता है आपका टू पार्टी सिस्टम प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम यानी कि एक पार्टी काफ़ी टाइम पहले से डोमिनेट कर सकती है ठीक है ए पार्टी पार्टी सिस्टम के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम जिसमें कि सिंगल पार्टी एक टोटलिटेरियन तरीके से भी हो सकती है ठीक है और uh, एक पार्टी सिस्टम ऑथोरिटेरियन तरीके से भी हो सकती है वन पार्टी सिस्टम और एक वन पार्टी प्रेगमेटिक तरीके से भी हो सकती है ठीक है उसके बाद एक और वो पार्टी सिस्टम बोलते हैं उसको बोलते हैं हेजेमोनिक पार्टी सिस्टम जो कि बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी होती है फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टोटलिटेरियन है ठीक है तो वहाँ पे जो आपका रूलर होगा उसकी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होगी जिसकी वजह से वो अपनी हेजीमोनरी को मेनटेन करता होगा ठीक है तो ये थे सार्टोरी के क्लासिफिकेशन इसको कहीं ना कहीं वो सात तरीके से और बताते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जांपल के साथ वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ है तो मैं आप आपको एक बारी ओरली डिक्टेट करके बता देती हूँ आप चाहो तो लिख सकते हो सो so, कहीं ना कहीं वो एक एक पार्टी सिस्टम का नाम लेके कुछ एग्जांपल्स देते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट मैं आपको स्टार्ट करके बता रही हूँ फर्स्ट है आपका वन पार्टी सिस्टम जो कि वो बोलते हैं कि उनको चाइना में देखने को मिलता है सेकेंड है हेजुमोनिक पार्टी सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडियोलॉजिस के बेसिस पे आ, हो सकता है हेजमोनिक या किसी और तरीके से हो सकता है तो वो उनको मेक्सिको में देखने को मिलता है प्री पार्टी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस जो है 1947 से पहले से ही इंडिया में बहुत ज़्यादा उसका जो है रोल था इंडिपेंडेंस दिलवाने में तो इसीलिए कहीं ना कहीं उस पार्टी का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी तो प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है इंडिया में उसके बाद टू पार्टी सिस्टम जो उन्होंने बताया है वो उनको यूके और यू में देखने को मिलता है उसके बाद लिमिटेड और मॉडरेट टूरिज्म जो है उनको कहीं ना कहीं बेल्जियम में देखने को मिलता है इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टीज के साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं अलायंस बनाने को तैयार हो जाते हैं इसलिए इसको मॉडरेट पुरोलिज्म कहा जाता है वहीं अगर एक्सट्रीम हो जाएगा एक्सट्रीम का मतलब है वो विलिंग टू तो कॉपरेट नहीं है ठीक है एक्सट्रीम टूरिज्म उनको कहाँ देखने को मिलता है इसराइल में देखने को मिलता है और एक और टाइप का वो देते हैं वो है ऑटोमाइजेशन ऑटोमाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे पार्टी जो है छोटे छोटे स्प्रिंटर्स में डिवाइड हो जाती है ठीक है वो उनको इटली में देखने को मिलता है ठीक है तो ये भी सात तरीके का डिवीजन जो उन्होंने बताया है एग्जाम्पल के साथ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में आ सकता है अगर नहीं याद रहता है तो आ, कोई बात नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है अगर आप याद कर सको तो प्लीज याद कर लेना कंट्रीज के साथ आगे भी आपको बहुत काम आएगा मास्टर्स में भी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉबर्ट रॉबर्ट की ठीक है रॉबर्ट मिशेल की बात करते हैं रॉबर्ट मिशेल की जो बुक है पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है तो ये भी आप याद कर लेना उसमें उन्होंने एक लॉ दिया है जिसको वो बोलते हैं आयरन आयरन लॉ ऑफ ऑलीगैल ठीक है सो आयरन लॉ ऑफ की का मतलब क्या है रॉबर्ट माइक रॉबर्ट मिशेल बोलते हैं कि आपका जो डेमोक्रेटिक टाइप है वो किसी भी तरीके का हो फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है टेलीटेरियन है अथॉरिटेरियन है किसी भी टाइप का आपका पार्टी सिस्टम हो पोलिटिकल पार्टी सिस्टम हो पॉलिटिकल सिस्टम हो, हो वहाँ पे एक लॉ आपको जरूर देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ ऑलीगार इसका मतलब क्या होता है कि सत्ता कहीं ना कहीं जो टॉप के लीडर्स होते हैं हर सिस्टम के अंदर एक छोटा ग्रुप ऑफ लीडर्स ऐसा होता है जो कि टॉप पर होता है और सारी की सारी पावर कहीं ना कहीं उन्हीं के हाथ में होती है और बाकी लोग सिर्फ उसको फॉलो कर रहे होते हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगैटी उसके बाद पालमपोर मायरन विनर आपके जो है पार्टी सिस्टम को फर्दर डिवाइड करते हैं कंपटेटिव और नॉन कम्पटेटिव पार्टी सिस्टम के अंदर कम्पटेटिव में वो एग्जांपल देते हैं हेजोमोनिक एंड टर्नओवर का एंड नॉन कम्पिटेटिव में वो एग्जांपल देते हैं लाइक वन पार्टी अथॉरिटेरियन वन पार्टी पुरलिस्टिक एंड वन पार्टी टोटेलिटेरियन ठीक है तो ये था आपका पार्टी सिस्टम आई होप आपको समझ आया होगा पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारा चैनल लेकर आता रहता है और अगर आपको इनसे ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट के साथ रिटर्न में नोट्स चाहिए तो आप हमारी एंट्रेंस गाइड्स को ले सकते हो वहाँ पर अभी कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं एडिड हैं बाकी सब्जेक्ट्स के हम बना रहे हैं टाइम लगता है थोड़ा तो उनको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लेकिन आप जो है उनको नीचे गूगल फॉर्म से जो है ले सकते हो फिल करके और आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आपको जितने भी हमारी पीडीएफ हैं पीपीटीज हैं सारी वीडियोस की वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगी और और भी बहुत सारी बुक्स और कंटेंट आपको वहाँ पे फ्री में मिलेगा और पेड भी मिलेगा दोनों तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी तो एजुर्गर नाम से ये प्ले स्टोर पे आप जो है सिंपली सर्च करके भी देख सकते हो हमारा लोगो ही आइकन लगा हुआ है उस पर और चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो सो so, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए मज़ेदार कंसेप्ट के साथ और करेंगे और अच्छी तैयारी सो तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर